हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आधुनिक भारत का इतिहास। और आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोग पढ़ रहे थे कल कि गांधी जी क्यों नेहरू जी को भारत का प्रधानमंत्री चुने। मैंने आपको कल कहा था कि प्रांतीय जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी थी वह कांग्रेस का अध्यक्ष का चुनाव करती थी, और 15 में से 12 कांग्रेस वर्किंग प्रांतीय कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने नाम जो है वल्लभ भाई पटेल का, फिर कृपलानी का, और फिर पट्टाभि सीतारामैया का नाम सुझाया। नेहरू जी का नाम नहीं था। और नेहरू जी अबुल कलाम आजाद से साफ साफ कह दिए थे, जो 1940 से 1945 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, कि तुम तो जानते हो कि मेरी पहली पसंद नेहरू है। क्योंकि जो कैबिनेट मिशन आया था, और कैबिनेट मिशन से जो 1946 में और अंतिम सरकार का जो गठन होना था, वह उसका नेतृत्व वही व्यक्ति करता जो भारत का भावी प्रधानमंत्री होता। क्योंकि उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद थे, तो गांधी जी के प्रेशर में उनसे अबुल कलाम आजाद से इस्तीफा ले लिया गया। लेकिन कोई आदमी नेहरू को, कोई प्रांतीय कांग्रेस कमेटी नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष चुनी नहीं रहा था। तो अंतिम में जो है ये कृपलानी ने एक पुर्जा दिया गांधी जी को, उस पर नेहरू का नाम लिखा हुआ था, पटेल ने उसको अनुमोदन कर दिया। तो ये सब बातें हैं। उसके बाद जब गांधी जी से पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि गांधी जी मेरी पहली पसंद इसलिए है कि प्रिय है लोगों के, दूसरा है कि वह मॉडर्न लुक के हैं, और तीसरा बिंदु उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की अच्छी समझ रखते हैं, और चौथा बिंदु उन्होंने बताया कि वो विदेशी अंग्रेजी सरकार से समझौता अच्छा ढंग से कर सकते हैं। ये सब जो है कुछ उन्होंने बिंदु बताया। खैर, और इस तरीके से एक भारत का प्रधानमंत्री, देश का भावी प्रधानमंत्री चुन लिया गया, जिसे नेहरू, जवाहरलाल नेहरू कहते हैं। अब हम लोग एक और फैक्ट पर चर्चा करते हैं। मैनचेस्टर गार्जियन, जब गांधी जी की मृत्यु हुई, हत्या कर दी गई, तो मैनचेस्टर गार्जियन जो है इंग्लैंड का एक सुप्रसिद्ध समाचार पत्र है मैनचेस्टर गार्जियन, उसने लिखा कि महात्माओं में राजनीतिज्ञ और राजनीतियों में महात्मा की आज मृत्यु हो गई, गांधी जी को श्रद्धांजलि देते लिखा। महात्माओं में राजनीतिज्ञ और राजनीतिज्ञों में महात्मा। तो ये सब याद रखिएगा, पूछ सकता है परीक्षा में कि मैनचेस्टर गार्जियन ने क्या लिखा था महात्मा गांधी की हत्या के संदर्भ में, तो इसको थोड़ा सा देखिएगा। एक है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट के बारे में बहुत चीज पढ़ाए थे थोड़ा सा। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली जो है महिला अध्यक्ष है, 1917 में बनी थी कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। 1913 में इसने कॉमन बिल निकाला था, समाचार पत्र है। और फिर जो है मद्रास स्टैंडर्ड, वहां पर उसको जो है मद्रास स्टैंडर्ड को एनी बेसेंट ने खरीद कर और वहां से न्यू इंडिया नामक समाचार पत्र निकाला। कॉमन बिल 1913 से प्रकाशित कर ही रही थी, और मद्रास स्टैंडर्ड खरीद के न्यू इंडिया नामक समाचार पत्र निकाला। फिर जो है बाद में इन्होंने एक नेशनल कमीशन करके एक आंदोलन चलाया था, कम्यून्स करके आंदोलन चलाया था 1929 के वर्ष में। बाकी तो आपकी सिर्फ इनके बारे में सूचना है ही, इसलिए हम यहाँ पर सूचना नहीं देंगे। एक है भगनी निवेदिता। निवेदिता कह के बुलाए, ये इनका वास्तविक नाम था आपको मार्गरेट नोबल। इनका वास्तविक नाम क्या था? मार्गरेट नोबल। भगनी निवेदिता का वास्तविक नाम था मार्गरेट नोबल, और ये आयरलैंड की रहने वाली थी। ये कहाँ की रहने वाली थी? आयरलैंड की रहने वाली थी। तो भगनी निवेदिता मार्गरेट नोबल, उसका वास्तविक नाम मार्गरेट नोबल था, और इसको जो है विवेकानंद अपनी मानस कन्या कह के पुकारते थे, मानस कन्या कह के बुलाते थे। ये स्वाधीनता, साधना और सेवा की त्रिवेणी थी। साधना, स्वाधीनता और सेवा की त्रिवेणी थी। और इन्होंने सब धन संभाव, इनका मूल मंत्र था सब धन संभाव, और ये मूल मंत्र इनके गुरु जी, इनके गुरु थे विवेकानंद, उन्होंने दिया था सब धन संभाव का। और अरविंद घोष ने इन्हें भगनी कहा था, अरविंद घोष ने इन्हें भगनी कह के पुकारा था। तो
तो ये सब इनके बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखना होगा, परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि इनको भगनी कह के कौन पुकारा। तो आपको पता ही चल गया हो कि अरिंदो ने इनको भगनी कह के पुकारा था। एक है स्वर्ण कुमारी देवी। कौन है? स्वर्ण कुमारी देवी। ये स्वर्ण कुमारी देवी रविन्द्रनाथ टैगोर की बड़ी बहन है। स्वर्ण कुमारी देवी रविन्द्रनाथ टैगोर की बड़ी बहन है। ठीक, रविन्द्रनाथ टैगोर की ये बड़ी बहन है। ये उपन्यास लिखती थी और उपन्यास लिख के ये क्रांति चेतना लोगों में फैलाती थी। क्या करती थी? ये 7 वर्ष तक भारती नामक समाचार पत्र का संपादन की थी। 7 वर्ष तक भारती नामक समाचार पत्र का संपादन की थी। भारती नामक समाचार पत्र का संपादन की थी। इन्होंने द्वीप निर्वाह जो है इन्होंने एक उपन्यास लिखा और यहां के लोगों को जो है काफी डेवलप किया। और बंगेरवार जो है इन्होंने एक उपन्यास लिखा था। इसमें बंगालियों को कहा गया कि आप जो है देश के लिए अच्छा काम कीजिए, मतलब त्याग वाला काम कीजिए। तो इसे लोग पढ़ते थे तो काफी लोगों को जोश मिलता था बंगेरवार से। द्वीप निर्वाह ये सब जो है इनका लिखा हुआ उपन्यास है स्वर्ण कुमारी देवी का। एक है डॉक्टर मुथु लक्ष्मी रेड्डी। डॉक्टर मुथु लक्ष्मी रेड्डी जो है वो भारत की पहली महिला चिकित्सक है। 1913 में ये भारत की पहली महिला चिकित्सक बनी थी और 1930 में ये महात्मा गांधी के साथ दांडी यात्रा में थी और जेल भी गई थी। तो थोड़ा सा इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, है ना। उसके बाद है सरोजिनी नायडू। इनको भारत कोकिला कहा जाता है। साहित्य में इनका राजनीति में तो योगदान है ही, साहित्य में भी इनका काफी योगदान है सरोजिनी नायडू का, है ना। और आप लोग होम रूल आंदोलन में भी इन्होंने काफी योगदान दिया था। होम रूल आंदोलन याद ही होगा, एनिवेशन का। और 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये अध्यक्ष बनी थी। 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। 1925 में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। ठीक, और इनको अंग्रेज सरकार ने कैसर ए हिंद दिया था। कैसर ए हिंद की उपाधि दी थी। बाद में यह उपाधि कैसर ए हिंद की उपाधि जो है इन्होंने वापस कर दिया अंग्रेज सरकार को, क्योंकि भारत की सेवा करना चाहती थी, है ना। गांधी जी के साथ ये गोलमेज सम्मेलन में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गई थी। और आपको याद या जान लीजिए कि जो सरोजिनी नायडू है उनको उस समय की तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने उनको भेजा था अपने खर्चे पर। अगर परीक्षा में पूछे जाए कि गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला ऐसा कौन सा प्रतिनिधि है जो भारत सरकार का अथवा ब्रिटिश सरकार ही, वहां पर भारत सरकार कही है ब्रिटिश सरकार, चूंकि उस समय तो भारत गुलाम था, तो कौन भेजा था, तो उसको सरोजिनी नायडू को ही भेजा गया था। और महात्मा गांधी के साथ ये बाद में सहयोगी के रूप में भी गई थी। और दूसरा चीज इंपॉर्टेंट बात, 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो इनको महात्मा गांधी के साथ पुणे के आगा खां पैलेस में गिरफ्तार कर लिया गया। पुणे के आगा खां पैलेस में सरोजिनी नायडू, महात्मा गांधी 1942 के आंदोलन में, महादेव देसाई जो उनके निजी सचिव थे महात्मा गांधी के, और उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी, इन सबको जो है गिरफ्तार करके आगा खान पैलेस में रखा गया था। द गोल्डन थ्रेशहोल्ड। द गोल्डन थ्रेशहोल्ड जो है इन्होंने लिखा था, द गोल्डन थ्रेशहोल्ड ऑफ द आवर टाइम। द गोल्डन थ्रेशहोल्ड ऑफ द आवर टाइम इन्होंने लिखा था।
और इनको कॉके विंग भी कहा जाता है, कॉके विंग भी कहा जाता है। तो ये सब जो है इनका कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो ध्यान में रखना होगा, क्रोके विंग भी इनको कहा जाता है, क्रोके विंग, भारत को मतलब सोजी नायडू को क्रोके विंग भी कहा जाता है, अर्थात उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल सोजी नायडू ही थी, उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल सोजी नायडू ही थी। भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखेंगे। एक है सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान काफी अपने गीतों के कारण, क्रांति गीतों के कारण काफी जानी जाती है, और इसलिए इनको केसरिया नामक जो है केसरिया नामक सम्मान से सम्मानित किया गया था सुभद्रा कुमारी चौहान को। और इन्होंने कुछ निकाला था जैसे कि झांसी की रानी, इन्हीं का है लिखा हुआ, खूब लगी बरदानी वाली, वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेलों की करके कुछ है, मुकुल बिखरे मोती, सब इन्हीं का लिखा हुआ है। आपको आश्चर्य होगा कि सुभद्रा कुमारी चौहान जो है भरत सिंह के साथ भी काम किए थे, सुभद्रा कुमारी चौहान जो है भरत सिंह के साथ भी काम की थी। अरुणा आसफ अली, अरुणा आसफ अली, अरुणा आसफ अली जो है ये 1909 में इनका जन्म हुआ था, 16 जुलाई 1909 को अरुणा आसफ अली का जन्म हुआ था। कहाँ जन्म हुआ था? तो कालका में, कालका में जन्म हुआ था, कालका हरियाणा में, आजकल जो हरियाणा में ही होगा ना, हरियाणा में होगा कालका, कालका जो है शिमला से सटा हुआ है ना, कालका शिमला से सटा हुआ है, तो कालका की पहाड़ी से ही शिमला शुरू होता है, तो वहीं की थी अरुणा, अरुणा वहीं की रहने वाली थी। 16 जुलाई 1909 का साथ इनका जन्म हुआ था कालका में, हरियाणा में, और जब ये 19 साल की थी 1928 में इनका विवाह हुआ था अरुणा आसफ अली के साथ, अरुणा आसफ अली के साथ इनका विवाह हुआ था। कब हुआ था? अरुणा आसम अफसर। उसके बाद ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में भी रही थी, अरुणा आसफ अली अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में भी रही थी, ये काफी कद्दावर लीडर थी। जब भारतीय राष्ट्र 9 अगस्त को 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था ग्वालियर टैंक मैदान से, तो इन्होंने तिरंगा फहराया था, और बाद में ये भूमिगत आंदोलन में काफी बढ़ चढ़ कर इन्होंने भाग लिया था। भूमिगत आंदोलन में कांग्रेस पार्टी का एक मासिक पत्रिका था इनकलाब, कांग्रेस पार्टी का एक मासिक पत्रिका था इनकलाब, इनकलाब का ये संपादन करती थी इनके साथ मिलकर, राम मनोहर लोहिया के साथ मिलकर, ये अरुणा आसफ अली और राम मनोहर लोहिया मिलकर कांग्रेस पार्टी की जो मासिक पत्रिका थी इनकलाब उसका संपादन करती थी। फिर इन्होंने कुछ व्यक्तिगत मतभेद के कारण 1948 में कांग्रेस पार्टी छोड़ के शामिल हो गए सोशलिस्ट पार्टी में, सोशलिस्ट पार्टी में ये अरुणा आसफ अली ये शामिल हो गए। 1958 में दिल्ली की पहली मेयर बनी थी, दिल्ली की पहली मेयर बनने वाली महिला मेयर, सॉरी दिल्ली की पहली महिला मेयर यही बनी थी 1958 में, ये दिल्ली की पहली मेयर। फिर 1964 में ये कांग्रेस में पुनः शामिल हो गई, 1964 में ये कांग्रेस में पुनः शामिल हो गई, और इनको जो है 1964 में ही अंतर्राष्ट्रीय लेनिन शांति पुरस्कार मिला, 1964 में ही अंतर्राष्ट्रीय लेनिन शांति पुरस्कार इनको मिला था। और उसके बाद 1992 में 91 इनको भारत का सर्वोच्च द्वितीय सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण मिला था, पद्म विभूषण मिला था। 1996 में इनकी मृत्यु हो गई, और जब 1996 में इनकी मृत्यु हुई तो 1997 में इनको मरने के बाद, एक साल के बाद, मरने के एक साल के बाद इनको जो है सर्वोच्च सम्मान भारत का भारत रत्न दिया गया,
तो यही है आपको अरुणा आसफ अली के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जो मैं आपको बता दिया। अरुणा आसफ अली के बाद है कल्पना दत्त। कल्पना दत्त का मूल नाम है कल्पना जोशी। कल्पना दत्त का मूल नाम था कल्पना जोशी। कल्पना दत्त इनका मूल नाम है कल्पना जोशी। ठीक, कल्पना दत्त का मूल नाम है कल्पना जोशी। तो इसको ध्यान में रखना है। और ये जो चटगांव आर्मरी कांड हुआ था सुरसेन में, उसमें ये भाग ली थी। फिर इनको जो है काला पानी का सजा दे दिया गया। काला पानी का सजा दे दिया गया, उसके बाद काला पानी चली गई। अंडमान निकोबार में इनको जेल दे दिया गया, क्योंकि चटगांव आर्मरी कांड जो हुआ था सुरसेन के साथ ही मिलकर की थी। कल्पना दत्त काफी उनकी सहयोगी थी। बाद में 1936 में इनको ब्रिटिश सरकार ने छोड़ दिया था, तो ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गई। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गई। पहले जो थी यह कल्पना जोशी जो थी, या कल्पना दत्त, वह जो थी सुरसेन के चटगांव आर्मरी, चटगांव उनका रिपब्लिकन आर्मी में एक इंपॉर्टेंट महिला लीडर थी। उसके बाद है ज्योतिर्मय गांगुली। ज्योतिर्मय गांगुली ये सरकारी नौकरी करती थी। 1889 में इनका जन्म हुआ था। सरकारी नौकरी करती थी और गांधी जी का जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसमें इन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। कलकत्ता में सरकारी नौकरी करती थी। पंडित रमाबाई महाराष्ट्र की रहने वाली थी और काफी जो महिलाओं के लिए काम की। 1889 में इन्होंने महिलाओं के लिए शारदा सदन काम का स्थापना किया, क्योंकि ये जानती थी कि पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए जो है बीड़ा उठाना पड़ेगा। तो पंडित रमाबाई ने 1889 में शारदा सदन की स्थापना की थी। और उसके बाद जो है अनाथ महिला बच्चों के लिए इन्होंने कृपा सदन खोला था। अनाथ महिला बच्चा के लिए इन्होंने कृपा सदन खोला था, शारदा सदन, कृपा सदन। उसके बाद है बेगम साफिया अब्दुल वाजिद। बेगम साफिया अब्दुल वाजिद ये उत्तर प्रदेश की एटा जिला की रहने वाली थी। उत्तर प्रदेश में एक जिला है एटा, वहीं की रहने वाली थी। और इन्होंने जो है उत्तर प्रदेश की थी यह, और 1905 के आसपास इनका जन्म हुआ था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग ली थी और 1952 में जो उत्तर प्रदेश विधानसभा है उसमें ये चुनी गई थी 1952 के चुनाव में। और फिर 1957 के चुनाव में दूसरी बार उत्तर प्रदेश विधानसभा में बेगम साफिया अब्दुल वाजिद ये चुनी गई थी। अब हम लोग रानी गाइडेनलू के बारे में पढ़ेंगे। रानी गाइडेनलू के बारे में रानी गाइडेनलू नागा नेता थी। कौन सी नेता थी? नागा नेता। लेकिन इनका जन्म हुआ था मणिपुर में। जन्म कहां हुआ था? मणिपुर में। 26 जनवरी 1915 को इनका जन्म हुआ था। 26 जनवरी 1915 को इनका जन्म हुआ था। और इनका निधन कब हुआ? 1993 में निधन हुआ। क्लियर। इनका जो जन्म हुआ था मणिपुर में हुआ था। और इनको लोग जब ये रानी माता कह के इनको सब बुलाता था, इसलिए इनका नाम रानी गाइडेनलू पड़ गया। इनको सब रानी माता कहता था। जब ये 13 साल की थी तो यह प्रभाव में आ गई, क्या नाम है इनका, हाइपो जादोनांग नेता थे, हाइपो जादोनांग से प्रभावित हो गई। नागा नेता थे, हाइपो जादोनांग से प्रभावित हो गई। प्रभावित हो गई तो इन्होंने नागा लोगों के लिए जेलिया नाराल जेलिया नारांग आंदोलन चलाया।
और ये जलियांवाला आंदोलन जो है ये इन्होंने चलाया, और नागा लोग जो मणिपुर के चाहे आसपास के लोग हैं उनको अंग्रेजी सरकार के खिलाफ काम करने के लिए कहा। 1931 में हाइपो जादोनांग को फांसी दे दिया गया और 1932 में रानी गैडिनलो को गिरफ्तार कर लिया गया। जब इनको गिरफ्तार कर लिया गया तो उन्हें जब देश स्वतंत्र हुआ 1947 में, तब इनको देश जो है इनको जो है जेल से बाहर किया गया, जेल से बाहर किया गया ठीक। और 1993 में इनकी मृत्यु हो गई। तो यह है जादोनांग के बारे में, रानी गैडिनलो के बारे में जो इंफॉर्मेशन फैक्ट्स है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो यही सब है आपके पास। अब है राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर, राजकुमारी अमृत कौर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट महिला है, संविधान सभा में थी यह राजकुमारी अमृत कौर। इन लोगों के बीच जो संविधान संविधान सभा में जो महिलाएं जो काम कर महिलाएं जो मतलब मेंबर थी वो काफी इंटरेस्टिंग मुद्दों पर बात करती थी। कहती थी कि महिलाएं पुरुष हमें अधिकार नहीं देंगे क्योंकि वो चाहेंगे कि हम घर में बैठकर स्वेटर बुने चाहे घर का काम करें। इन लोग भी इस चीज को समझती थी कि जो संविधान सभा है वहां अपने हक के लिए हम लोगों को आवाज अपना मजबूत करना पड़ेगा। ये पंजाब के कपूरथला परिवार से थी, कपूरथला जो राजा परिवार है उसी से ये बिलोंग करती थी। इंग्लैंड चली गई थी पढ़ने के लिए, काफी पढ़ी लिखी महिला थी, इंग्लैंड में भी पढ़ाई लिखाई की और बाद में कांग्रेस में शामिल हो गई। और 1930 में ये चली गई थी, नमक सत्याग्रह हुआ तो इसने भाग लिया था। जब भारत भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग ली थी 1942 में, और जब देश स्वतंत्र हुआ तो भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री बनी। और स्वास्थ्य मंत्री बनते हुए इन्होंने बच्चों के लिए महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम किया और कहा गया कि इनके जीवन स्तर को ऊंचा करना ही जो है स्वास्थ्य मंत्रालय की पहली प्राथमिकता। मतलब कहने का कि राजकुमारी अमृत कौर ने इसको अपना पहला प्राथमिकता माना। इन्होंने अखिल भारतीय महिला सभा की स्थापना किया। राजकुमारी अमृत कौर ने अखिल भारतीय महिला सभा की स्थापना की। अखिल भारतीय महिला सभा की स्थापना किया, यह चीज को ध्यान में रखना होगा, अखिल भारतीय महिला सभा की स्थापना किया। उसके बाद ये इसके संस्थापक सदस्य थे। संस्थापक सदस्य था, बाल कल्याण भारती परिषद की स्थापना की, बाल कल्याण भारतीय परिषद की स्थापना किया, बाल कल्याण भारतीय परिषद की यह स्थापना किया। इन्होंने बाल कल्याण भारतीय परिषद की स्थापना किया और भारतीय परिषद की भी स्थापना किया इन्होंने, मतलब ये काफी। और भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी में भी इनका अमूल्य योगदान है, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी में भी इनका अमूल्य योगदान है। तो ये सब जो है इनका कुछ देन है जिस पर मैंने डिस्कस किया। और ये स्वतंत्र भारत की कुछ ऐसी महिलाएं थी, सॉरी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ये ऐसी महिलाएं थी जिन्होंने राष्ट्र निर्माण में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। ठीक है, और भी भारत में और भी हम कुछ इंपॉर्टेंट बिंदुओं पर विचार करेंगे जो परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफी मजबूत है। आज का वीडियो इतना ही, धन्यवाद।